अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा किसान भी तुहाडे नाल एक बारी फिर हाजिर है नवी वीडियो नाल। अज दी वीडियो दा मकसद है कि टिब्बियां दा की फायदा ते पद्धर पैली दा की फायदा। आई आ देखो जी, तुहानू एक जगह ते लैके आए हां। ये देखो आ टिब्बा जिहड़ा पिया सी, आ कैमरामैन भाई दिखांदे ने तुहानू। आ टिब्बे दा कोई फायदा है सी मालक नू? बिल्कुल एक टके दा फायदा नहीं सी हैगा, सिर्फ और सिर्फ बंजर पिया सी। इहदी कीमत किन्नी सी? 2 लाख 2.5 लाख मैक्सीमम, वध तो वध। उस बंदे ने हौसला बन्नया, उहने कहा भी यार ना इहदा तां मैनूं कोई फायदा ही कोई नहीं। उहने जनाब इहते लवाई मशीन। आ पठाणा नूं उहने कहा भी जिन्ने दा टिब्बा है इन्ने पैसे ना होर लाईए ते इहनूं चुकवाईए। आ देखो जी, आ मशीन लगी है, ट्रालियां भर भर जा रही ने, देख रहे हो तुसीं। हुण ये देखो भी थले जमीन का किड़ा प्यारा लेवल निकल रहा है। कल नूं कोई बंदा मनेगा कि उही जमीन सी? ये टिब्बे का उन्हूं कोई फायदा नहीं सी हैगा, ठीक है। हुण एक दफा खर्चा किया ना, बार बार तो खर्चा नहीं होना, एक दफा ही खर्चा उन्हें किया। जमीन कढ़ ली, टिब्बा चुकवा के साइड ते लाता, जमीन आबाद, सालाना इनकम जमीन की भी आएगी। उस तो बाद इनकम तो जी आनी है, ये रकबे की वैल्यू 3 गुणा बढ़ गई, 3 गुणा यदि कीमत बढ़ गई। फसल सिर्फ फसल लाना चाहे फसल दे इनकम चुक सकता है। अगर ये आखे कि मैं बाग लवाना है, इनकम डबल, डबल द भी 3 गुणा। वो इस वास्ते कि 3 साल फसल भी चुकेगा, नाल बाग भी तैयार होएगा, वह बाग फ्री दे तैयार हो गया, 1 रुपया नहीं लगा। जे हम बाग तैयार हो गया तो बाग सही सांभिया हो 170 पौधे नाल, तो अखा खोल के बंदा बेचे। साडे जिमीदार तकरीबन 80% ऐसे ने जिस जे व्यापारी के दा थले आ जाते हैं। व्यापारी ने 1/3 हिस्सा मालक नूं देना होंदा, 2 हिस्से उन्हें अपने को रखने होंदे ने, 1 घाटे वाधे वास्ते, 1 मुनाफा। 1 हिस्सा उन्हें जिमीदार नूं देना, 2 हिस्से उन्हें अपने को रखने ने, ठीक है। अगर बंदा अखा खोल के बाग अपना जिमीदार बेचे, यार हर जगह पर मंडिया ने, सिर्फ होर कुछ भी ना करे, मंडी जाए, मंडी जाके मन का रेट पूछ लवे की रेट है, आ गए अपने बाग का हिसाब ला लवे कि मेरे पौधे के 2 मन फ्रूट है, 3 मन फ्रूट है, 4 मन फ्रूट है, तो हिसाब ला के अपना बाग बेचे। या नहीं तो वेखो जी, मजदूरी करना कोई मेहना नहीं है, या दिहाड़ी से मजदूर लावे उन्होंने कह भी कटाई करके जनाब मैं शाम को कट्टू भर दे, वो जाके अपने हाथी मंडी दे आवे, ठीक है। किसी का कोई एतराज तो नहीं है अपनी ठीक ठाक। अगर जेडे बंदे को बरानी जमीन भी पद्धर करवा के कोई 4-5 किले है ना, तो आप भी तो किसी बच्चे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो जी, आ जमीन दे चारा काश्त करे, नाल जानवर तैयार करे, ठीक है, कुरबानी वाले कर लवे, बच्छिया लैके तैयार कर लवे, झोटियां लैके तैयार कर लवे, ठीक है। बाग वह अलहदा तैयार हो जाएगा, जानवर तो इनकम वो अलहदा। कल 3 साल तो बाद बाग की इनकम भी चुकेगा, चारे की इनकम भी चुकेगा, अपना फार्म भी चला सकता है, तो बाग भी चला सकता है। वीडियो बढ़ा के विखाण का मतलब ये भी बरानी जमीन लोगों को पईयां ने, बहुत बहुत ज़्यादा पईयां ने, लेकिन थोड़ा जहा उत्ते तवज्जो देण, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ी तवज्जो देण। जिते इन्ने पैसे बन्ने ने उते थोड़े जे होर समझ लो कि अगर 100 बने तो 100 ना 100 होर बन लवो, ठीक है, तो या उन्हें वेच दवो, जान छुड़ाओ, उस 100 नाल कोई होर बिजनेस कर लो, ठीक है। इस तरीके थोड़ा मतलब तुहानूं थोड़ा रहनुमाई देना सी, बाकी होर कोई नहीं। अगर इहोजी बरानी जमीन किसी दोस्त लैना चाहे, साडा कॉन्टैक्ट नंबर है, मिल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ दोस्त सेल करना चाहे वह भी राबता कर सकता, वो भी सेल हो जाएगी, ठीक है। ये नाल ही आज के टॉपिक इन्ना की सी, ये नाल ही आज की वीडियो नाल दियो इजाजत, मिलने नवी वीडियो नाल नवे टॉपिक से। तब तक अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ।